हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बच्चे, आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी का रिजल्ट का इंतजार जो आप इतने महीने से इतने दिनों से कर रहे थे, लगातार आ जाएगा, कल आएगा, वो आ चुका है। अब 15 तारीख से फिजिकल, उस पर क्या देखा जाएगा, क्यों इतनी जल्दी बच्चे कैसे प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सोचने वाली बात है। लगभग अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बता रखा है 10 जनवरी से 13 फरवरी तक ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, जिसमें कम से जिनके 30% अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस 25% कम से कम थे, एससी एसटी सर्विसमैन 20% उनको कंसीडर किया गया, तो उन्हीं के मेरिट निकाली गई है। उसके बाद में मार्क्स इसमें नॉर्मलाइज भी किए गए, फिर जिन लोगों ने एनसीसी था उन्हें जैसे सी सर्टिफिकेट वालों को 8 नंबर मिले मैक्सिमम, बी वाले को 4.8 और ए वालों को 3.9, एक्स सर्विसमैन को एनसीसी नहीं मिले। कैटेगरी वाइज इसमें बता रखा है कुछ इस तरीके से, लास्ट बच्चे के मार्क्स हैं एनसीबी, इधर देखिए जनरल के 1095 बच्चे अवेलेबल 139.32, ओबीसी 600 137, ईएसएम 270 बच्चे सिलेक्ट 71, एसटी 180 123, एससी 405 127 और 345 ईडब्ल्यूएस में 136। चलिए ये तो हो गया आपका। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट में देखेंगे एसएसएफ के लिए तो अनरिजर्व 132, ओबीसी 130, एसटी 112, एसटी 115, ईडब्ल्यूएस 128। यूटी वाइज देखो गया एनसीबी और एसएसएफ को तो लड़कियों को लगभग 40,070 गर्ल्स क्वालिफाई हुई है, 40,070 के करीब। और इसमें यदि आप लोग बॉयज का देखोगे, पुरुष का देखोगे, मेल का, तो मेल जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी जो एसएसएफ वाली थी 142, 140, 75 ईएसएम, एसटी 126, एससी 139, ईडब्ल्यूएस 139, अनरिजर्व 142, ओबीसी 140, ईडब्ल्यूएस 139। ये तो हो गई एसएसएफ की बात। इसमें भी जो अदर फोर्सेस है एनसीबी और एसएसएफ के अलावा 324,508, तो 324,508 तो अदर फोर्सेस के लड़के, 40,000 लड़कियां, 365,000 तो ये हो गए, और एनसीबी एसएसएफ के लिए अलग से। तो इन्होंने लगभग जितनी भी वैकेंसी है उसका 6 गुना के करीब, 6 से आप ये कह सकते हैं 7 गुना 8 गुना तक इन्होंने बच्चे लिए हैं। उसके बाद में इन्होंने वैकेंसी ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल वाइज, नक्सल एरिया, इस प्रकार से निकाले। और इन्होंने अभी ये नहीं निकाला कि आपकी चॉइस क्या है, किस हिसाब से, इसमें इन्होंने नहीं निकाला, ठीक है भैया। चलिए उसमें हम लोग देखें, सबसे पहले मार्क्स पार्ट ए में देखे गए, फिर मार्क्स पार्ट बी में, इस प्रकार से इन्होंने जहां भी दो लोगों के बीच में टाई हुआ है उसके हिसाब से देखा। तो कुछ अब इन्होंने बाद में दिया आपको, जो एसएसएफ और एनसीबी को छोड़कर जो अन्य एयर, जो अपनी जितनी भी फोर्सेस है अर्धसैनिक बल है उनकी, तो उनकी किस प्रकार है, आंध्र प्रदेश इसमें यहां से इस तरीके से आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश यहां से शुरू है, आंध्र प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलग दिए और दूसरे क्षेत्रों के अलग दिए। तो ये बहुत ध्यान से आप लोग इसके एसएससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, नक्सल प्रभावित में 64 पर, तो जनरल जिले में 80, ओबीसी में नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो 60, ओबीसी 69 जनरल वाले में, एसटी 37, इस तरह से पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश। एसटी अरुणाचल प्रदेश और कम, अरुणाचल प्रदेश में 48 43 80, इसीलिए कोई इसकी एक कट ऑफ सेट नहीं बैठती, क्योंकि देखो कहीं पर तो ये जो एसटी में बॉर्डर एरिया 32 पे लगी है, अरुणाचल प्रदेश में जनरल, जनरल एरिया जनरल 48 पे लगी है। असम की बात करें, असम देख लीजिए आप, तो असम में ये जनरल 52 पे, असम में जनरल 52 पे। वहीं आप बिहार देखोगे तो अनरिजर्व 109 पे, ओबीसी 102 पे, जनरल डिस्ट्रिक्ट की एससी 77 पे, ईडब्ल्यूएस 102 पे, ये बिहार की है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ 90 नंबर पर ही आ गई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ जनरल डिस्ट्रिक्ट और जनरल कैटेगरी की अगर आप निकालोगे तो 92 पे गई है, और नक्सल प्रभावित की तो मात्र 72 पे गई है। दिल्ली की देख लीजिए, दिल्ली की जनरल 117 पर,
दिल्ली की ओबीसी 110 पर, एसटी 78, एससी 109 और ईडब्ल्यूएस 111 पे गई है। तो ये दिल्ली की है। गोवा की देखोगे जनरल 50 पर ही गई है, मात्र 50 पर। गुजरात की अगर आप देखोगे तो गुजरात में अनरिजर्व ये 72 पे गई और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की तो मात्र 54 पे गई है। हरियाणा का देखिए, क्योंकि हरियाणा से भी काफी बच्चे फॉर्म भरते हैं, हरियाणा जनरल 124 पे, ओबीसी 118, एससी 105 और ईडब्ल्यूएस 120, क्योंकि एसटी हरियाणा में नहीं है तो वहां एसटी की नहीं लगी। तो इसी प्रकार आप हिमाचल प्रदेश देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए जनरल मात्र 101 पर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की तो मात्र 48 पे गई है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर ले लीजिए 56 नंबर पे, 56-32 पर। इसी प्रकार आप झारखंड देखोगे तो झारखंड का भी आपको जनरल 104 पे और जो नक्सल प्रभावित तो उसमें 90 पर। कर्नाटक 52-54 जनरल पे, 57 पे लगी है, ओबीसी की 52 पे, जबकि 632 से जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए। केरल की देखोगे तो जनरल की 95 पर, केरल के नक्सल प्रभावित 60 पे, लद्दाख की 52-48 पर। मध्य प्रदेश की देखेंगे तो मध्य प्रदेश की हो जाती है अपनी अनरिजर्व जनरल जिले की 119 पर और नक्सल की 98 पर। इसी प्रकार महाराष्ट्र की देखेंगे तो 82 पर ही लगी है महाराष्ट्र की। तो अलग अलग राज्य में बहुत फेर बदलता है, जो मैं पहले बता रहा था। मणिपुर 67, ओबीसी है तो 51 पर ही लगी है मणिपुर की, और मणिपुर की जनरल है तो 62 पे लगी है। मेघालय जनरल की 91 के कैंडिडेट सिलेक्ट किए, मात्र 48 पे लगी है। मिजोरम नागालैंड, मिजोरम देख लीजिए जनरल 48, नागालैंड 48। उड़ीसा की बात करें तो जनरल 89 नंबर पे, पंजाब की बात करोगे जनरल 82 नंबर पे, राजस्थान की जनरल बात करोगे तो 114 पर, ओबीसी 111 पर और अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो मात्र 87 पर। सिक्किम 49 पर, तमिलनाडु देख लीजिए जनरल में 48 पर, मात्र 48 पर। तेलंगाना देखोगे उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, तेलंगाना देखिए 62 पे, त्रिपुरा 48 पे। अब यूपी की आ जाती है, यूपी की, क्योंकि बच्चे यहां से ज्यादा भरते हैं और वैकेंसी भी ज्यादा होती है, तो इस हिसाब से देखिए अगर हम लोग यूपी की यहां से बात करें जनरल 121, इधर आ जाते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 103, जनरल ओबीसी 117, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी 96, जनरल एसटी 93, जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी 104, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एससी 80, ईडब्ल्यूएस 117 और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 90। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल में काफी का अंतर आ जा रहा है, लगभग 14-15 नंबरों का। तो ये 19 से बहुत ज्यादा है, मतलब 19 से काफी ज्यादा। इसका मतलब है कि आप ऐसा लगा लीजिए 180 का 121, उसके बाद में आ जाता है आपका उत्तराखंड। ये भी आपको दिखेगी कि जो जनरल है अपना वो 96 पर, उत्तराखंड में जनरल अनरिजर्व 107, ओबीसी 96। वेस्ट बंगाल अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल जनरल, जनरल डिस्ट्रिक्ट से ये आपके 86 पे। ये आ जाता है कि किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट ले, लेकिन जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आकांक्षा नहीं की गई, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा अंतर, मतलब पिछली कट ऑफ को अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 65 वैकेंसी भी बढ़ी, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है, घंटे का पेपर है, ज्यादातर बच्चे करके नहीं आ रहे, तब भी लास्ट बच्चे के, मतलब उत्तर प्रदेश अगर मैं बात करूं तो जनरल से जो अदर एसएसएफ और एनसीबी के अलावा जो है 1400 कैंडिडेट लिए। बच्चा मेरी बात सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश से कितने कैंडिडेट लिए, 1400 कैंडिडेट लिए जो जनरल एरिया से आती है, जनरल पूरे उत्तर प्रदेश से, तो कट ऑफ तो 121 जाएगी, कट ऑफ तब ये 121 लास्ट बच्चे के, इनमें फाइनल में तो और कम होंगे। इसी प्रकार बॉर्डर में से 120, अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी देखोगे 912 बच्चे लिए पूरे उत्तर प्रदेश में से, इतनी बड़ी जनसंख्या में से 912, 117। तो ये नहीं है ना कि 50,000 वैकेंसी है तो सबके लिए, वो तो बंटवारा हुआ है ना, बाकी हो सकता और जो छोटे छोटे राज्य उनको ज्यादा हो। मैं इसके लिए एक वीडियो आपको कि किस राज्य के लिए कितनी वैकेंसी है तो उन्होंने क्लियर नहीं की,
लेकिन फोर्स वाइज राज्यवार देखोगे तो 1400 बच्चे अगर आप अपने उत्तर प्रदेश के पूरे भी देखोगे तो कितने बच्चे लिए होंगे उन्होंने, 1400 और 1000 के तकरीबन इन्हें मान लीजिए, 2400 और 1000 ये हो गए, 3400 लगभग 4000 से भी कम बच्चे पूरे लिए, 4000 से भी कम बच्चे पूरे, तो क्या कहते हैं सीट खत्म ही थी सीट। अब ये कौन सी वाली है? देखने वाली बात होगी। इसमें और भी है ना, ये तो भी बिल्कुल से फीमेल वाली थी, अब आ जाती है मेल वाली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जनरल 1400 ही फीमेल ली गई है बच्चियां। इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर एकदम मेल वाली दिखा दूं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नीचे आके मेल फीमेल की अलग अलग है, तो ले लीजिए इसमें आप एक बार ये ले लीजिए आप उत्तर प्रदेश की, ये मेल की है, वो फीमेल की थी, ये मेल की हो जाती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हाँ अब आपको क्या आ जाता है 11744, तब भी 123 पर गई है, वो तो लड़कियों की थी 1400, 123 मतलब 100 से भी ऊपर है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जनरल 96, इसमें तो काफी नंबर का अंतर आ गया। ओबीसी 121, 7000 स्टूडेंट लिए 7728, बॉर्डर 90, जनरल एक्स सर्विस में 32-36, तो चलिए कोई बात नहीं। एसटी 103, और इधर आप देखोगे SP 109 जनरल डिस्ट्रिक्ट से, यह हो जाता उत्तर प्रदेश का हाल। और अगर हम लोग इस समय राजस्थान देखें, वो ही समय राजस्थान, तो राजस्थान आप देखिए जनरल 122 कम नहीं है, 122-23 पर राजस्थान भी। इसी प्रकार यदि आप हरियाणा देखें सर, लाइव अब लाइव, अब तो एप्लीकेशन पे भी जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर खुल गया, चल गया। हरियाणा देखिए इधर, अब सभी लोग एप्लीकेशन पर भी जाके सीधा रोल नंबर डाल के रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कोई पीडीएफ वगैरह की जरूरत नहीं है, उसमें काफी समय लग रहा है, समय बचाने के लिए बाद में आप पीडीएफ से भी चेक कर सकते हैं। 122 अच्छा, हरियाणा भी अगर पिछले बार का भी देखें तो भी उस हिसाब से भी एकदम बिल्कुल हाई पावर गई है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, एमपी अनरिजर्व 118 पर, महाराष्ट्र अनरिजर्व या जाता है 84 पर, महाराष्ट्र की तो चलिए कम गई है, लेकिन अगर आप 65-70 मेरा 60-65 का आइडिया था, जो 65-67% के करीब, मतलब अभी 80 नहीं, हालांकि इसमें 4-5 नंबर फाइनल में जरूर बढ़ेंगे, तो आप इसे कह सकते हैं कि यदि हम लोग निकालें, ये 70-75% पर फाइनल जाएगी, अगर अभी 67 आप पे आ रहे हैं ना, तो 70-72-73 तक काफी इस बार चेंज आए, काफी इस बार जो कट ऑफ है इसमें अनएक्सपेक्टेड से चेंज मिले, अनएक्सपेक्टेड से, मतलब कहां पिछली बार की फाइनल 60-65 पे, इस बार की 67-68 पे तो पहली ही लगी है, पहली जिसे बोलते हैं, तो कोई बात नहीं भाई। देखिए अभी जिनका हो गया है वो बहुत अच्छी चीज है, एक बार जिनका नहीं हुआ आंसर की तो उनके पास है, देखो अपने पुराने नोट्स जहां से भी आप पढ़े थे, क्या कमी है क्या नहीं है, फिर से एक नई उमंग के साथ शुरुआत कीजिए। 1,29,000 सीआरपीएफ में फिर से फाइनल हुई है, तो जीडी में 1,29,000 के करीब फिर से वैकेंसी आएंगी, इनमें बढ़ के ही आएंगी कुछ ना कुछ, इनका भी अब मान लो 4-5 महीने बाद एग्जाम है, इधर यूपी पुलिस है, इधर अपना मान लो इन बच्चों का फिजिकल वगैरह है, उधर आपका दिल्ली पुलिस है, तो आपके पास 4-5 महीने में फिर से एक एक चीज को क्रम से लगाइए, फिर से एक एक चीज को दोबारा से अपने टाइम टेबल बढ़िया से, और पढ़ाई को समय दीजिए, वन लाइनर से हटकर पूरी थ्योरी से सब क्वेश्चन बन जाते हैं, कि पहले उस टाइप से कितनी पिछली बार में पूछा गया वो आपके पास होने चाहिए, कि अब मैं इस लेवल की थ्योरी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उसको बार बार रिवाइज। तो ये एसएससी की वेबसाइट पर जाकर एक बार आप चेक कीजिए, और रिजल्ट अपने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं, और हम लोग लाइव भी दिखा रहे हैं, बाकी आप लोगों को परेशान नहीं होना, अभी मैं 2-3 वीडियो और करूंगा जिससे कि आपके कोई भी और ऐसे डाउट वगैरह हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उस पर हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ
आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। बाकी कट ऑफ ने एकदम दिमाग हिला दिया, सोचने वाली बात है। बाकी जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों का तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वहां तो बहुत ही कम गई है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अनएक्सपेक्टेड। चलिए बच्चा यही आपको बताना था, बाकी आप सभी लोग फिर से नहीं मतलब इसको यहां से हारते नहीं है, एक चुनौती है जीवन, इसमें एक असफलता ना, इसको तुम करे मैं तो असफल हो गया, इसको आपको ऐसे लेके नहीं बैठना, इसको आपको एक चुनौती स्वीकार करना है, इसको आप एक चुनौती के तौर पर लेनी है, चैलेंज है जीवन में, और चैलेंजेस से हारते नहीं है, चैलेंजेस का क्या किया जाता है, सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो हर एक असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, जय हिंद।